अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला खैरी। मैंने प्री प्राइमरी के लिए कुछ बुक्स लिखी हैं जो कि बहुत सारे स्कूल्स में कराची के पढ़ाई जा रही हैं। उन बुक्स का तारुफ मैं आज पेश करूंगी। इन बुक्स को पैरागॉन पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है। सबसे पहले जो किताब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है किड्स फोनिक्स विकैबलरी स्टार्टर। ये बिगिनिंग बुक है 2.5 से 3.5 साल तक के बच्चों के लिए, विकैबलरी के लिए। सबसे पहले बच्चे जो चीज़ सीखते हैं 2.5 साल पे, वो विकैबलरी होती है। और विकैबलरी सीखने का जो उनका पेस है इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। इस बुक के अंदर हमने जो है वो लेटर्स दिए हैं। सबसे पहले हमने दी हैं फॉर्मेशन राइम्स। ये फॉर्मेशन राइम्स बच्चों को सिखाने से ये होता है कि बच्चे कभी भी कोई लेटर लिखते हुए गलत फॉर्मेशन से लेटर नहीं लिखते, ठीक है। फॉर्मेशन राइम्स हैं ये, टीचर्स के लिए हैं। और इसके अलावा एक पेज हमने दिया है फोनिक्स का, जिससे कि बच्चे टीचर्स को फोनिक्स आ जाएंगे। कोई भी टीचर ये बुक पढ़ाएगी उसको फोनिक्स आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पेज पे, क्योंकि बच्चों की एज है 2.5 साल, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पेज हमने नहीं दिया है। सिर्फ एक लेटर है और उसके साथ उसकी विकैबलरी है, एप्पल, एरोप्लेन। अगर टीचर्स या पेरेंट्स चाहें तो वो इस लेटर के अंदर बच्चों को ट्रेसिंग भी करा सकते हैं। दे कैन ट्रेस इट ऑल्सो। तो टीचर पढ़ाती हैं एप्पल, एरोप्लेन। देन सेकेंड पेज पे हम आ जाते हैं, ब बनाना, ब बलून, ख कैरेट, ख कप। अब आप चाहें तो अपने बच्चों को आप ट्रेसिंग भी करा सकते हैं इसी लेटर के अंदर। तो ये हो गई बेसिकली विकैबलरी बुक। इससे बच्चों को विकैबलरी आएगी डिफरेंट वर्ड्स की, और साथ साथ उनको साउंड्स की रिकग्निशन भी होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट बुक। ओरल है ये, इसमें कोई रिटन नहीं है, इसमें ओरल है। अच्छा, इसके बाद जो बुक आती है वो है न्यू फोनिक लैंग्वेज सीरीज बुक 1, और एज लेवल है 2.5 to 3.5। इस बुक के अंदर हमने 16 लेटर्स को फोकस किया है। आउट ऑफ 26, 16 लेटर्स को हमने फोकस किया है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है कि आखिर 16 क्यों किया, ज़्यादा क्यों नहीं किया, 26 क्यों नहीं किया। इसलिए कि राइट फ्रॉम 2.5 वी डू नॉट रिकमेंड द टीचर्स टू स्टार्ट राइटिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। 2.5 पे डायरेक्टली राइटिंग स्टार्ट नहीं होती है। इस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं जिससे कि गाइडलाइन ली जा सकती है। टीचर्स भी ले सकते हैं, पेरेंट्स भी ले सकते हैं। जिनको फोनिक्स नहीं आते वो फोनिक्स सीख सकते हैं अगर इसको एक्सटेंसिवली पढ़ लें तो, ठीक है। फॉर्मेशन राइम्स हैं हर बुक के अंदर, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स है। करेक्ट फॉर्मेशन के लिए हमने ये पेज दिया है जिसमें स्टार्टिंग डॉट से एरो की मदद से तमाम एडल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एक लेटर की प्रॉपर फॉर्मेशन क्या होती है, ताकि वो बच्चों को गाइड करते हुए कोई गलती ना करें। 16 साउंड्स हमने की हैं। अब इस बुक की जो हैरत अंगेज बात है वो ये कि ये ल से क्यों स्टार्ट हो रहा है, एल से, ए से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। देखिए, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें हम चलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे सिंपल फॉर्मेशन ल की है, बच्चों के लिए भी सिंपल है, इसलिए ल से हम स्टार्ट करते हैं। 3 बेस लेटर्स हैं इंग्लिश के, ल, अ एंड ख। तो ल सबसे पहले कराते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मीन्स अगर बच्चे ने अब तक विकैबलरी नहीं सीखी है तो वो इन पेजेस पे विकैबलरी सीख सकता है अलॉन्ग विद द साउंड। लायन, लेमन, लेडर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे लेडी बर्ड, लॉग, लीव, लेटर्स, लैम्प। ये साउंड कार्ड है, इससे बच्चों ने विकैबलरी सीख ली। जितने भी दिन टीचर चाहें या पेरेंट्स चाहें वो अपने बच्चों को विकैबलरी सिखाएं, तो इन ऑर्डर टू कन्फर्म द विकैबलरी हमने उनको कलरिंग के पेजेस दिए हैं। जब वो किसी एक ऑब्जेक्ट में कलर करते हैं तो उनकी विकैबलरी बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है, बिल्कुल उनके माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। इसी तरह कलरिंग है यहाँ पर लेमन, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं होलो ट्रेसिंग पे। दिस इज कॉल्ड होलो ट्रेसिंग। इसमें बच्चे फॉर्मेशन को मास्टर करते हैं।
फॉर्मेशन करते हैं, ल इज डाउन एंड डाउन, ल इज डाउन एंड डाउन। जब यहाँ पे वो फॉर्मेशन को कर लेते हैं तो फिर हम उनको लाइंस का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड फिनिश अ लेटर ऑन द लाइन। ठीक है, इसके अंदर हमने फोर लाइंस का कॉन्सेप्ट देना है। बच्चे को ये सिखाना है कि लिमिटेड स्पेस में उसको मूव करना है। अब अगर देखिए ये फोर टाइम्स ट्रेसिंग है, अब अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट बुक है हमारी, दैट इज फोनिक प्रैक्टिस कॉपी वन, फोनिक प्रैक्टिस कॉपी वन, 2.5 to 3.5। इसके अंदर हमने दी है प्रैक्टिस ऑफ कलरिंग, पहले कलरिंग की प्रैक्टिस होगी, यानी अगर आपको ये पेजेस इनफ नहीं लग रहे हैं फोनिक लैंग्वेज सीरीज बुक वन के, तो फोनिक प्रैक्टिस कॉपी पे आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। हॉलो ट्रेसिंग है, इसमें ज़्यादा ट्रेसिंग है, प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। और उसके बाद हमने ये पेजेस दे दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रेसिंग करेंगे बच्चे 8 times। 8 times जो ट्रेसिंग है वो इसलिए आप देख रहे हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पेज, उसकी वजह ये है कि छोटे बच्चों का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं होता, वो पूरा पेज नहीं लिख सकते, तो उनको लिमिटेड अगर आप देंगे तो वो इंटरेस्ट से लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप फोर लाइन्स को देख सकते हैं कि फोर लाइन्स वही हैं जो कि वो कॉपी पर फॉलो करेगा, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ज़्यादा नैरो नहीं है, कि बच्चे को बाद में अलग तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो जितने भी साउंड्स हमने 16 साउंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन सब की प्रैक्टिस जो है वो इन इस प्रैक्टिस कॉपी पे है। प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस कॉपी पे आपको मिलेगी। प्रैक्टिस कॉपी पे प्रैक्टिस है, ये देख सकते हैं आप, प्रैक्टिस कॉपी पे प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस आप चाहें तो आप करा सकते हैं। आजकल लॉकडाउन का ज़माना है, बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स को उनको बिज़ी करने के लिए कोई ऐसी बुक या कॉपी या कुछ भी चाहिए जिससे कि बच्चे अपने काम करते रहें और साथ साथ लर्न भी करते रहें, तो ये बुक उसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मैं आपको ये बुक दिखा रही थी, इसके अंदर ट्रेसिंग के बाद हमने एक पेज दिया है और उसके बाद इवेल्यूएशन है। दिस इज़ अ वंडरफुल बुक फॉर इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन के लिए ज़्यादातर हमें वर्कशीट्स इंटरनेट पे तो मिल जाती हैं, बट कहीं कोई बुक ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर जहाँ पे हमें इवेल्यूएशन मिल जाए, और इवेल्यूएशन भी फोकस्ड इवेल्यूएशन। फोकस्ड इवेल्यूएशन मीन्स कि एक साउंड हमने कराया, अब हमें इवेल्यूएट करना है 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, कि हमारे बच्चे को ये लेटर, ये साउंड आई कि नहीं आई। तो इसके लिए ये वर्कशीट्स हैं, आप देख सकते हैं, सर्कल द पिक्चर्स विद इल साउंड ओनली। अब यहाँ पे बच्चे को आप इंडिपेंडेंट छोड़ दें, जो इल साउंड से पिक्चर्स हैं उनको वो सर्कल खुद करे। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस चेक, ठीक है। ये देखिए, ट्रेस एंड सर्कल द पिक्चर विद इल साउंड ओनली। यहाँ पे ट्रेसिंग की भी कभी इवेल्यूएशन है और वोकैबुलरी का भी है, और इसी तरह की वर्कशीट्स पूरी बुक में यहाँ पे दी हुई हैं। इल के बाद और साउंड शुरू हो जाएगी, उसका भी यही पैटर्न है। उसके बाद ख शुरू हो जाएगा, ख का भी यही पैटर्न होगा। साउंड कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे और सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये प्रोग्रेस चेक आ गया, ठीक है। ये देखिए, कंबाइन करके भी हम इसमें इवेल्यूएशन दिया है, हमने जो हमने कंबाइन करके इवेल्यूएशन दिया है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस टेस्ट। तो इस तरह की ये बुक है, इट्स अ वंडरफुल बुक फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 2.5 to 3.5। और ये बुक्स बहुत सारे स्कूल्स में भी लगी हुई हैं, आप लोगों के लिए कोई नई बुक्स नहीं है, फेमिलियर बुक्स हैं ये सारी, और ये आप अपने स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा इस किताब का, और आपके बच्चे इस किताब से मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगेन मैं बता दूं कि इस बुक्स को पैरागॉन पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है। जज़ाकल्लाह।